सोनिया वाले तलाश में हूं। इनके पास खोने को कुछ नहीं, मेरे पास एक प्लान है। आने वाले टाइम में कौन सी 5 साउथ इंडियन फिल्में दहलाएंगी बॉक्स ऑफिस? क्या एक बार फिर से साउथ पड़ेगा बॉलीवुड पर भारी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मौलीग्राज स्टूडियोज, मैं सोनिका जुराल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्मों से ज़्यादा अब साउथ फिल्मों का दबदबा है। हाल ही में जितनी भी बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई, एक के बाद एक फ्लॉप होती रही और आने वाले टाइम में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि साउथ के बड़े बड़े सुपरस्टार्स तैयार हैं अपनी बड़ी बड़ी भारी भरकम बजट की फिल्मों को लेकर। इस लिस्ट में पहला नाम तो है पुष्पा 2 का। पुष्पा के बाद अब अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 में तहलका मचाने को तैयार है। फिल्म की शूटिंग जारी है और जल्द ही इसे रिलीज भी कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि पुष्पा की तरह ये भी बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख देगी। इस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। लिस्ट में अगला नाम है हमारे बाहुबली प्रभास का, जिनके लिए सबकी धड़कन बढ़ी हुई रहती है कि कब उनकी फिल्में आए। हाल ही में उनकी रिलीज फिल्म ने ज्यादा कमाल नहीं दिखाया, लेकिन ऐसे में भी फैंस को अगली फिल्मों का इंतजार है। अब नंबर है सलार का, जिसे डायरेक्ट कर रहे प्रशांत, जो कि सुपरहिट KGF जैसी फिल्म में बना चुके हैं। अब देखना होगा सलार कितना बड़ा तहलका मचाती है। लिस्ट में अगला नाम RC15 का है, जिसमें कि सुपरस्टार रामचरण नजर आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सालों से वो इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं और अब RC15 में कियारा आडवाणी के साथ वो नजर आने वाले हैं। फिल्म NTR 31 भी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। यूं तो जूनियर NTR काफी टाइम से इंडस्ट्री में है, लेकिन RRR ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब वो NTR 31 को लेकर चर्चाओं में है, जिसमें कमल हसन विलेन बनेंगे और प्रशांत ही इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, कितना इंतजार है आपको साउथ की फिल्मों का? सबसे ज्यादा वेट आप किस फिल्म का कर रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को।